मतलब मजा आ गया है इसको देख के, क्योंकि ये जो चीजें मेरे को कब से चाहिए हो रही थी। ए शिट यार, असली में है यार, असली में है। आइए आपका इंतजार था, आराम से ये क्या है? चलो अब अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे था, है, होता रहेगा। अरे यार ये हैव अ लॉन्ग लाइफ टू यू। यार ये कैसे कॉमेडी हो गई है, तो क्यों कुछ और ही, कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था क्या? अरे मतलब कॉमेडी हो गई जो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ये जिसका भी आइडिया था बड़ा ही खतरनाक, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि तू पापा जी टू यू साल तक बोलता रहेगा, अगले साल तक। अरे तो ये तो खतरनाक ही हो गया, मतलब ऐसा तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा करके। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, इसको बड़ा वाला सुना है मैं अपने से बड़ा। किसका आइडिया था, जिसका भी आइडिया था बड़ा ही खतरनाक आइडिया था, ये तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा करके। तो तू क्यों सोचता? सोचता वाला तू क्यों सोचता? बहुत बहुत धन्यवाद यार सबका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का भी, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेज और वीडियो सब कुछ भेजी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के लिए है, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? बहुत छोटा सा हमारा प्रयास, ये छोटा सा इतना खतरनाक, मतलब डेढ़ कितने साल का हो गया भी दिखा दिया तुमने तो यहाँ पर, ये पूरा बता दिया कितने साल का हो गया मैं करके। आज उसमें वीडियो में या पता नहीं किसी में किसी ने पूछा था कि कितनी एज हो गई है, तो बता दिया कितनी एज हो गई है। थैंक यू यार सो मच, थैंक यू, मतलब क्या कहें, बधाई आपको, एक किस दे दूं प्लीज, बधाई बधाई आपको, किस तो दे ही सकती हूँ यार आज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। करेगा बस एक चीज चाहिए मुझे कि मैं किस दे सकूं। ये क्या है, इतनी सारी चीजें यार, ये कब खोलेंगे? इसका एक्साइटमेंट में ही नजर है, केक और इसके यहाँ से जाई नहीं थी, हटी नहीं थी, जिस तरह से पैक हुआ है और इतनी सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल वो मेरे को मूवीज की याद आ गई, वो हैरी पॉटर वाली मूवी में नहीं होता है, कितने साल का हो गया, 17 साल, और ये कितने हैं कहके उस वाला याद आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा सोचा था मैंने, पर कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या दे सकते हैं। देखना है क्या है ये, क्योंकि डब्बे तो इतने बड़े बड़े, ये गिफ्ट अभी मैंने खोले नहीं है, लेकिन इनको अनरैप करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है अंदर से, और श्वेता ने अभी मना कर रखा है, कह रही है जब तक का मैं नहीं आऊँगी तब तक का खोलना मत करके, तो ये तब से पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा इसके अंदर घर का राशन जो है, खाली डब्बे जो हैं या क्या जो है करके, क्योंकि इतने सारे डब्बे हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 बॉक्सेस हैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके अंदर क्या हो सकता है करके, और कुछ मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और श्वेता को बुला के लाते हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा काम यार, बिन उसके तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यार सही में बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, मतलब सब कुछ इतना बढ़िया कर रखा है यहाँ पर, और मतलब गिफ्ट तो मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, लेकिन मतलब बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पर यार, देखा जाए तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है यहाँ पर, ये जो श्वेता ने किया है इसके लिए बड़ा वाला थैंक यू श्वेता को, थैंक यू रोहित जोशी, लोकेश, सभी को जिन्होंने इतना बढ़िया बेहतरीन बर्थडे बनाया, और आप लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और मम्मी का जिन्होंने बिल्कुल सुबह से
सुबह से मम्मी ने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, छोले बनाए, उसके बाद दही बड़े बनाए, चटनी, सब कुछ रायता आयता क्या क्या बना रखा है मम्मी ने, सुबह से लगी हुई है मम्मी करने में, और मेरे को तो पता भी नहीं था इतना तगड़ा वाला सस्पेंस होने वाला है करके, मतलब सस्पेंस होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सरप्राइज होने वाला है, मतलब मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है करके, मेरे को ये तो पता था कि श्वेता कुछ कर रही है, लेकिन ये नहीं पता था इतना क्या कहते हैं भाई, याद कह रहा हूँ, इतना खतरनाक, मतलब अद्भुत कहना चाह रहा था कि अद्भुत वाला होगा करके, और इतने सारे यहाँ पर गिफ्ट रखे हुए हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कब खोलेंगे करके, क्योंकि ये 13 है टोटल, और 13 में क्या हो सकता है करके कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कब से हो रही है, क्या है इसके अंदर, ऐसे खुरबुरी जैसे कि वो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो जग गई है अंदर की, देख क्या खोले मम्मी बताओ, ये अभी वहां की फ्रिज में भी पड़ी हुई है, ये है, ये क्या है, ये खोलते हैं, ये तो शर्ट है मम्मी ने पहली बता दिया, गैस भी करते रहना है, देखो इसके अंदर है शर्ट, नहीं नहीं या तो शर्ट है या लोअर है, इसको ऐसे एक गैस होगा, शर्ट नहीं नहीं रुक जा, ये अभी ये देखा था शर्ट है करके, और ये है लोअर, यही वाली मैं ढूंढ रहा था, अरे यही तो हम देख के आए थे, यही वाली याली देख रहा था मैं, लेकिन ये लेके नहीं आया मैं, लेकिन ये बढ़िया है यार, मैं देख रहा था, एक सबसे पहले हमारी निकली है लोअर अनबॉक्सिंग में, ये लोअर है, ये देखो पकड़ो, अब क्या खोला जाए, मम्मी ले के आई थी, अब ये मम्मी दूध तो गई थी, मम्मी को कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ पता अब है, इसको खोलते हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये जिस तरह से रैप करे हुए है, ये है मास्क, इसमें अलग अलग मेन चीज तो यही है ना आजकल, तो इसमें सबसे अलग अलग टाइप के मास्क रखे हुए हैं, और इसमें से दो मास्क मैंने चुरा लिए, एक मास्क ये है, एक मास्क ये है, और एक मास्क ये है, इसका मैं बता सकता हूँ ये क्या है, ये हैंकीज हैं, ये हैंकी है मेरे हिसाब से, जहाँ तक है मैं अगर तुमने सब पहले देख लेते हैं, नहीं ये हैंकी ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि इसका डब्बा हैंकी ऐसा लग रहा है, डब्बा हैंकी ऐसा कैसा लग सकता है, मेरा गैस सही था, देख रहे हो मेरा गैस सही था, ये मेरे पूरे कपड़े बन गए हैं क्या, स्कूल जाने की तैयारी होती है अब मेरी, ये है बेल्ट जो मेरे पास थी ऑलरेडी, लेकिन इसने एक और नहीं थी, 4 साल से खो गई थी, जो अभी तक नहीं है इसके पास, और ये मेरे को बेल्ट मिल, ये फ्लिपकार्ट का है कुछ जो भी है, जरूरी नहीं है कि सामान फ्लिपकार्ट का हो, जरूरी अप्रैल भूल गई, शिट यार शिट, मतलब मजा आ गया है इसको देख के, क्योंकि ये जो चीज है मेरे को कब से चाहिए हो रही थी, जो मेरे को मिला है वो है ग्रूट, इसकी मेरे को कब से तलाश थी, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, अबे शिट यार शिट नहीं हुआ यार, ये वापस कर दे, अबे ये तो मेरे को कब से चाहिए था, अब इसके बाद में कोई गैस नहीं कर रहा, ये है शर्ट, ये है मेरी इनर नहीं लोअर, क्या इनर ही हुआ मम्मी, ये है शर्ट, ये देख के बताओ कैसी लगी, टी-शर्ट है बेटा, टी-शर्ट हाँ, खुशी खुशी में निकल गया, मेरे वर्ड भी ऐसे हो गए ना आज, ये है मेरी टी शर्ट, ये तो खाली डब्बा है, इसमें कुछ नहीं है लग रहा ये, क्योंकि इसमें ज्यादा वो नहीं हो रहा है, कुछ हल्का सा है लेकिन कुछ बेहतरीन, ये भी फ्लिपकार्ट का डब्बा है, अबे यार ये क्या ही मिल गया, ये घर में बैठ के करूं मैं रैप, यहाँ पे करूंगा क्लैप जब देखेगी ऑडियंस, अबे बिल्कुल, अबे इसको पहन के अब मेरा जो मैंने सोचा अगला रैप निकालेंगे, अगला ट्रैक निकालेंगे, उसको पहन के निकालेंगे, अब ये है कुछ भारी सा, इसमें लग रहा कि इसमें मेरे हिसाब से कुछ वैसा है, कुछ खाने का प्रोडक्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा भारी है, और ये सीसी वाला प्रोडक्ट है कुछ, जिसमें सीसे वीसे कुछ मतलब वो हो सकते हैं, खाने में शीशा कौन खाता है, नाना उसका जो डब्बा होगा वो शीशे वाला हो सकता, कांच का हो सकता है कह रहा हूँ, ये है कॉर्न, और अब हम बनाएंगे पॉपकॉर्न, पहले मैं और मम्मी बैठेंगे तो साथ में जब मूवी देखेंगे आगे कमरे में, या प्रोजेक्टर लगा के, तो हम यही अब इसके बाद एक प्रोजेक्टर भी ले लेंगे यार, तभी उसमें मूवी देखेंगे यहीं पर, ऐसे बड़े स्क्रीन में लगा के, मेरे को लगा के रहा यार एक प्रोजेक्टर भी दे देना था, एक वो प्रोजेक्टर लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम मूवीज देखेंगे, पानीपुरी मैजिक, और ये रोज शाम को जाकर के पानी पूरी खा के आता है, तो हमने कहा कभी हमारे साथ भी खा लेगा, अब तो ये घर में खाएंगे ना ये आला, लेकिन
ये आलेखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी परसों श्वेता और मम्मी लोग नानी के यहाँ होली में गए थे, तो ये डब्बा तभी आया था और नीचे पे, उसके नीचे पे मैं देख रहा था क्या आया है करके, क्योंकि श्वेता ने अगर कहा नहीं होता तो मैं नहीं देखता, लेकिन इसने बता दिया था कि इसको देखना मत, तो मैंने नीचे देखा, उसमें पानी पूरी लिखा हुआ था, तो मेरे को पता चल गया था अच्छा ये डब्बा आया है करके। और ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर मैंने इसे नहीं बोला होता कि मत खोलना तो ये खोल भी देता, मुझे पूरा भरोसा है। और ये पता नहीं क्या यार, फ्लिपकार्ट वाले बीच में उन्होंने बंद कर दिया था नीचे से डालना कि क्या चीज है अंदर प्रोडक्ट, और दोबारा से उन्होंने सब लिख के दे, एक और आ गया है। ये तो शायद मेरे को उसकी तरह लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें ये है तो ये एक तरह से वो साइड बैग यहाँ पर ऐसे लगाने वाला बैग टाइप का लग रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं बैग या फिर मेरे यार इसकी पैकिंग ऐसी कर रखी थी इसीलिए मैंने अंदर को फोल्ड किया था, वरना कॉलर से स्मेल ही समझ आ जाता। ये है, इसको अभी नहीं खोलना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये है शर्ट एक और, और नहीं पहली टी शर्ट थी, ये शर्ट है, और ये दे रखी है थैंक यू सो मच। ये भी फ्लिपकार्ट, एक और डब्बा फ्लिपकार्ट का। इसमें आधी चीजें इस मतलब गिफ्ट्स में बस आधी चीजें हैं जो फ्लिपकार्ट से आई है, बाकी मेरे पुराने डब्बे हैं। नहीं ये लेकिन ये रियल है, ये वहीं का आया हुआ है, क्योंकि इसका डब्बा जिस तरह से अगर आप उल्टा खोलें तो उल्टा खोलें तो तूने पैक कर रखा है यहाँ पर, लेकिन वो लाम था ना तुम्हें काटने के लिए, मेरे को क्या पता था इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अगला डब्बा आराम से खोलना कहते हैं लिखा है। ये क्या था? कॉफी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं खाने की, और लेकिन मैं ये चीजें खाता नहीं हूँ, तो ये श्वेता को हम गिव अवे कर देंगे। तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ, मैंने कहा था ये सबसे लास्ट में खोलना है करके, तो चलो फ्लिपकार्ट। मेरे को लग रहा है इसके अंदर वही है मैजिक। अबे ये सबसे तगड़ा गिफ्ट होगा, मैजिक मोमेंट की बॉटल लगी ये तगड़ा गिफ्ट होगा कुछ ना कुछ। नॉट ओपन विद शार्प इंस्ट्रूमेंट, अबे कुछ तगड़ा ही है मतलब। डर नहीं यार, मैं नहीं बना रहा वीडियो, मैं नहीं बना रहा यार। अबे मम्मी ये तूने बना लेके आई है क्या? क्या मुझे पता ही नहीं जो। अबे यार क्या है ये, शिट क्या है? क्या है खाली डब्बा है, क्या है, क्या है ये, क्या ब्लैक है? ऐसा लग रहा है रो देगा ये अभी तक कहा तक। अबे यार बोला नहीं जा रहा है यार, अबे यार रो गया क्या? अबे रो गया क्या? अबे यार यार दिखा दो तो। अबे यार, अबे यार क्या अबे शिट यार, असली में है यार, असली में है, असली में है यार। अबे नहीं यार, अबे नहीं यार, नहीं नहीं, नहीं।
अबे यार असली में है यार ये शिट यार दिखा तो रो रहा है अबे रो नहीं रहा यार मैं तो पहले ही बोल रहा था हर एक चीज वसूलनी है तभी रोना आ रहा है शायद किसने किया ये श्वेता का ही है अबे इतना महंगा का मैं तो भाई साफ साफ बोल रही हूँ पूरा वसूलूंगी इसमें क्या महंगा क्या सस्ता मेरा क्या जा रहा है अबे यार ये नहीं है यार सब दे इसके लिए कुछ हम सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था सही में नहीं किया था यार एक्सपेक्ट ही है ये सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये मैंने एक बार कहा था गोप्रो लेना है क्योंकि ब्लॉगिंग शूट करने के लिए जाते हैं और कैमरा से वो शूट नहीं हो पाता हमारे पास ये कैमरा है और मैं इससे वीडियो शूट करता था और ब्लॉगिंग में इसमें थोड़ी ऑडियो की दिक्कत आती है और थोड़ा सा मतलब वैसा शूट नहीं हो पा रहा था तो फिर मैं रोहित के फोन से शूट कर रहा था जो अभी तक का ब्लॉग कर रहे थे आउटडोर वाले जितने भी हमारे ब्लॉग्स होते हैं वो हम आउटडोर वहीं से उससे ही कर रहा था मतलब मेरे इतने ज्यादा फंबल हो रहा है कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा यार और मैंने ये कैमरा इसीलिए लिया है ताकि ये जब बाहर जाए तो बहाने ना बना सके कि मेरे पास मैं क्या करूं फोन नहीं है मेरे पास अरे मैं इतनी बड़ी कैमरे को कैसे लेके जाऊं ये बहुत बहाने बनाता है इसीलिए जब भी घूमने जाता है हम घर पे इंतजार करते हैं चलो अब ब्लॉग आएगा और वो ब्लॉग कभी आ ही नहीं पाता है और इसलिए मैंने बस सिर्फ इसीलिए कैमरा लिया ताकि अब ये कभी बहाने ना बनाए ये अभी मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मेरे उसमें गोप्रो था अभी मेरे बजट में जो लेना था मुझे उसमें एक गोप्रो था एक मेरा कुछ और था लूप डेक्स करके है मेरा एडिटिंग का वो लेना था एक ग्राफिक कार्ड है मेरा तो कुछ चीजें थी मेरी जो लेनी थी और लेकिन थोड़ा सा बजट हर चीज मेंटेन करने की वजह से मेरा गोप्रो हटा दिया था और मैंने अभी ग्राफिक कार्ड और लूप डेक का मैंने सोचा था कि ये वो लूंगा करके लेकिन इसका मैंने मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि ये मिलेगा करके और थैंक यू यार तो यार आप सभी लोगों का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए कमेंट किए वीडियोस भेजे मुझे और कॉल किए मतलब बहुत सारी चीजें भेज रखी है आप लोगों ने और बहुत सबसे ज्यादा आप लोगों ने अपना प्यार भेज रखा है लव भेज रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार मतलब ये वर्ड बहुत छोटा है लेकिन थैंक यू सो मच यार